हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों डायरेक्ट भर्ती निकाली गई है एक और कंपनी में। कंपनी का नाम जो है होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों होंडा की काफ़ी बड़ी कंपनी है जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में मोटरसाइकिल एंड स्कूटर दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग इसमें होते हैं और उसी में ही अभी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं और काफ़ी भारी मात्रा में एक साथ वैकेंसी भी निकाली गई हैं और ITI पास के एंड 12th पास के सभी कैंडिडेट इस कंपनी में अप्लाई कर सकेंगे और सैलरी भी आप लोगों की काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जैसा कि आप लोगों ने जो थंबनेल पे देखा है कि 139 रुपये प्रति घंटा ओवर टाइम दिया जा रहा है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इस कंपनी में ओवर टाइम आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। और भी जानकारी के लिए आप लोग होंडा की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और सभी जानकारी डिटेल्स में ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कैसे अप्लाई करना है, क्या आपकी सैलरी रहेगी, सभी चीज़ें। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि कौन कौन अप्लाई कर सकेगा। तो ऑल ओवर इंडिया के सभी ही कैंडिडेट इस कंपनी में आवेदन कर सकेंगे, चाहे आप लोकल से बिलोंग करते हों या अदर स्टेट से बिलोंग करते हों, फ्रेशर हों या एक्सपीरियंस। कई लोगों को कैंडिडेट को एक्सपीरियंस होता है जैसे कि मोटरसाइकिल एंड स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, तो उन लोगों को काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है दोस्तों और जॉब भी काफ़ी अच्छे से जल्दी उनको मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अभी जो वैकेंसी निकाली गई है फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों लोगों के लिए ही निकाली गई हैं, ओनली मेल के लिए दोस्तों। इसमें फीमेल कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकेंगी। एज लिमिट जो रहने वाला है 18 से 29 ईयर के सभी कैंडिडेट इस कंपनी में अप्लाई कर सकेंगे। चलिए क्वालिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर आपने हाई स्कूल करके ITI साथ में कर रखी है तो आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। ओनली ITI के लिए ही दोस्तों इसमें वैकेंसी निकाली गई है। जैसा कि मैं आपको इसमें जो मेंशन किया है, मैंने ट्रेड भी आपको बता देता हूँ, जैसे कि फिटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर मैकेनिस्ट, प्लास्टिक प्रोसेसिंग और ऑपरेटर से, और ट्रैक्टर मैकेनिक, पेंटर, और ये सभी जो भी मैंने ट्रेड इसमें मेंशन की हैं ये सभी कैंडिडेट ITI पास के अप्लाई कर सकेंगे। चलिए बात कर लेते हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जो भी जॉब्स की जानकारी दी जाती हैं वो 100% फ्री होती हैं, इसलिए किसी को भी किसी प्रकार का शुल्क ना दें। यदि आपसे कोई भी पैसे मांगता है जॉब के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर, फीस के नाम पर, तो उसे बिल्कुल भी ना दें। यदि आप किसी को पैसे देते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। हमेशा ही फ्रॉड लोगों के कॉल्स और ईमेल से अलर्ट रहें, किसी को भी एक भी पैसा बिल्कुल भी ना दें दोस्तों। चलिए पोस्ट एंड डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो काफ़ी अच्छे दोस्तों डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई हैं, जैसा कि हेल्पर, ऑपरेटर, सुपरवाइजर एंड मैन्युफैक्चरिंग सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ निकाली गई हैं और काफ़ी भारी मात्रा में वैकेंसियाँ भी निकाली गई हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि जो लोग भी दोस्तों जॉब की तलाश कर रहे हैं उन लोगों को रोज़गार मिल सके दोस्तों। चलिए सैलरी पैकेज की भी तरक झलक देखते हैं। जैसे कि सैलरी आप लोगों की 15,500 रुपये इन हैंड रहने वाली है दोस्तों, वो भी 8.5 घंटे की ही, तो काफ़ी अच्छी आप लोगों की इसमें सैलरी मिलने वाली है दोस्तों। और अगर आप डेली इसमें ओवर टाइम भी करेंगे, 4 घंटे भी अगर आप ओवर टाइम करते हैं, तो आराम से आप लोग 21 से 22,000 रुपये तक प्रति महीना इसमें कमा सकेंगे दोस्तों। काफ़ी अच्छा ओवर टाइम मिल रहा है, जैसे कि 139 रुपये प्रति घंटा आप लोगों को दिया जा रहा है। प्रोडक्शन इंसेंटिव भी 500 रुपये आपको पे किया जा रहा है, लोडिंग का भी 1,000 रुपये आपको पे किया जा रहा है। अटेंडेंस अवार्ड भी दोस्तों इसमें मिलता है अगर कंपनी के रूल्स के हिसाब से एक भी अगर आप छुट्टी नहीं करते हैं दोस्तों। चलिए अदर फैसिलिटी की भी बात कर लेते हैं। तो यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, PF, ESI, कैंटीन, बस ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस, सभी फैसिलिटीज आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और भी आपको डिटेल्स में मैं अभी बताऊंगा, लेकिन अगर आप लोग वीडियो में बने रहिए और फुल डिटेल लेने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं ड्यूटी इन्फॉर्मेशन की भी। तो 26 डे आप लोगों का वर्किंग रहने वाला है, 4 डे ऑफ रहेगा, 8 घंटे की ही ड्यूटी है, 8.5 घंटे की है, उसमें 15 मिनट का टी ब्रेक एंड लंच ब्रेक वगैरह यही सभी है दोस्तों। और आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ओवर टाइम कितना करते हैं, जितना आप लोग ओवर टाइम करेंगे दोस्तों उतना आपका काफ़ी अच्छा पैसा मिलने वाला है। चलिए डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, क्या क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या आपको लेकर जाने हैं। तो अपडेटेड रिज्यूम आपके पास होना चाहिए, नहीं तो बनवा लीजिए, क्योंकि अब विदाउट रिज्यूम के आप लोग किसी भी कंपनी में नहीं अप्लाई कर सकते हैं, रिज्यूम इज मैंडेटरी दोस्तों। क्वालिफिकेशन, मार्कशीट, आपने जो भी आपने ITI में कर रखा हो जिस भी ट्रेड से, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, 2-4 पासपोर्ट साइज फोटो, सभी डॉक्यूमेंट की जेरोक्स कॉपी प्लस ओरिजिनल साथ में अवश्य लेकर जाएं। ओरिजिनल आपको दिखाने हैं और किसी को भी बिल्कुल भी जमा नहीं करने हैं। और कैंडिडेट का वैक्सीनेटेड भी होना अनिवार्य है और वैक्सीन सर्टिफिकेट लेकर जाना भी अनिवार्य है, विदाउट वैक्सीन तो बिल्कुल भी ना जाएं। और बात कर लेते हैं इंटरव्यू डिटेल्स की। तो दोस्तों आप लोगों के जो डेट 29 तारीख को ही एक ही दिन इसमें इंटरव्यू चलेंगे, कैंपस भर्ती है। टाइमिंग जो रहने वाली है 9:30 बजे, आप लोगों को 1 घंटे पहले से ही सभी डॉक्यूमेंट अपने इस स्थान पर लेकर पहुंच जाने हैं, जैसे कि विश्वेश्वरिया ITI डिवोली गोविंदपुर धनबाद में। आप सभी लोग इसको मैप पर डालेंगे तो इस लोकेशन पर पहुँच जाएंगे दोस्तों, और ये एक कैंपस भर्ती है दोस्तों। बात कर लेते हैं कंपनी एड्रेस की। तो नसरापुरा जो कि बेंगलुरु में आप लोगों को जॉब करने की लोकेशन रहने वाली है दोस्तों।
बात कर लेते हैं, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो मास्क को अवश्य लगाकर जाएं और कोविड-19 का सर्टिफिकेट तो साथ में अवश्य लेकर जाएं और गवर्नमेंट के जो भी दिशा निर्देश हैं उन सभी का पालन भी अवश्य करें दोस्तों। और ड्रेस कोड की भी बात कर लेते हैं तो कैंडिडेट हमेशा ही फॉर्मल ड्रेस में ही जाएं, कोई भी जीन्स टी शर्ट और चप्पल में तो बिल्कुल भी ना जाएं, इंटरव्यू में समय से जाएं दोस्तों। अगर आप लेट जाते हैं तो उसका कोई भी फायदा नहीं होता है दोस्तों, इसलिए इंटरव्यू में हमेशा समय से जाएं। और नोट, ये इन्फॉर्मेशन हमेशा ध्यान रखें, कृपया किसी व्यक्ति को जॉब के लिए पैसे ना दें और ना ही OTP या कोई पासवर्ड कभी ना बताएं। यदि आप किसी को पैसे देते हैं या OTP या कुछ भी पासवर्ड बता देते हैं तो आप लोगों के साथ काफ़ी बड़ा स्कैम भी हो सकता है, इसलिए हमेशा ही पर्सनल जानकारी कभी भी किसी को ना शेयर करें दोस्तों। और कृपया कंफर्म करने के बाद ही आप लोग जाया करें। चलिए बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो आप लोगों के सामने है जो मैंने आपको पहले से बताना था कि आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को फुल डिटेल्स बताऊंगा दोस्तों। इसमें देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं सिलेक्टिंग जो कि सनराइट मैन पावर की तरफ से आप लोगों की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब रहने वाली है। आप लोगों को मैं पहले से बता देता हूँ, क्वालिफिकेशन ITI पास आउट 18 से 29 ईयर तक के एंड शिफ्ट रोटेशनल शिफ्ट है, 2 times इन शिफ्ट आप लोगों को खाना भी दिया जाएगा दोस्तों, शिफ्ट में काम करते वक्त 2 times दोस्तों आप लोगों को। ग्रॉस सैलरी 15,500 रुपये है, ओवर टाइम 145 जो कि 39 रुपये सॉरी। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एड्रेस भी अच्छे से इसमें पढ़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट की भी, आप लोगों को सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट की मतलब कमेंट करते हैं, तो आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ये जो इंक्वायरी नंबर नीचे दिए गए हैं आप लोग इनसे कॉल कीजिए, सभी जानकारी लीजिए दोस्तों। और फुल डिटेल्स लेने के बाद, फुल सेटिस्फाइड होने के बाद ही आप लोग जाइए। और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड पड़ेगी, जैसे कि इसमें मेंशन भी किया गया है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10th मार्कशीट, ITI मार्कशीट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट सेट ऑफ 2 copies एंड फोटोज 10 copies, 10 आप लोगों को फोटो भी लेकर जाने हैं। चलिए, प्रोडक्शन इंसेंटिव भी ऊपर दिया गया है, वीकली ऑफ रहने वाला है, बेनिफिट यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, PEF एंड प्रोडक्शन इंसेंटिव, बोनस, दीपावली गिफ्ट, ESI PF सभी सुविधाएं दोस्तों दी गई हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को दोस्तों जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत है दोस्तों, जॉब से रिलेटेड कुछ भी समझ नहीं आया है, आप लोग अवश्य कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।